बिहार में इस बार एनडीए को अपना साथी बनाकर नौवीं बार सीएम की गद्दी पर बैठने वाले नीतीश कुमार की सरकार का कल शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी अपने अपने विधायकों से संपर्क साधने और उन्हें पाला न बदलने की हिदायतें देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में 11 फरवरी यानी आज जनता दल यूनाइटेड ने विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई है। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच आरजेडी ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर ही रोक रखा है। वहीं आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट को लेकर सत्ता पक्ष लगातार अलर्ट मोड पर है। इसी बीच जेडीयू ने अपने विधायकों के लिए एक व्हिप भी जारी कर दी है। इसमें तमाम विधायकों को 12 फरवरी को विधानसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पिछले दो दिनों से जेडीयू के तमाम विधायक पटना में ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं अगर आपको सीटों का गणित समझाएं तो बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी के पास 79 विधायक हैं और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी वही है। वहीं कांग्रेस के पास 19, CPI-ML, CPI और CPI-M के पास संयुक्त रूप से 16 विधायक हैं। मसलन विपक्ष के पास कुल संख्या बल 114 विधायकों का है। वहीं आपको बता दें कि कल जेडीयू ने अपने विधायकों के लिए लंच रखा था, जिसमें खबर के मुताबिक कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे। साथ ही बीजेपी ने भी अपने विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के लिए बोधगया शिफ्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में खेला होने की बात कर रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि फ्लोर टेस्ट में कल क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।